औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान तरीकत, बंदाए नाचीज़, खादमे आस्थाना आलिया चूरा शरीफ, दर्जा बे दर्जा तमाम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ा अज़ीज़ों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जिस जिस कान में मेरी आवाज़ पड़ती है, सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह फजल करे, अल्लाह करम करे, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, अल्लाह राज़ी होवे, सब दी तंग दस्ती दूर होवे, खुशहाली अल्लाह पाक देवे। जिन्हां दीआं बच्चियां घर बैठी दीआं, परवरदिगार उन्हां दे बेहतर कोई सवाब, परवरदिगार उन्हां दे वालदैन उत्ते मेहरबानी नवाजिश, परवरदिगार और खान साहब नूं भी। ये जिहड़ा कल दा जिहड़ा मैच हैगा सीनेट दा, ये जितने दी तौफीक अता फरमा परवरदिगार। एक दफ़ा शेख रशीद साहब दे जलसे विच रात नूं ये गल आखी सी, ए मेरे मौला, कलम तो दुआत नूं और बल्ले नूं जितवा दे। तो खान साहब जड़े सन इकतदार च आ गए सन। ओ शेख रशीद दा जलसा, आ हुण अज भी ये गल आखदा, ये जिहड़ा सीनेट वाला जिहड़ा मारका हैगा वी, ये भी खान साहब नूं जितने दी तौफीक अता फरमा, मेहरबानी फरमा। खान साहब ना इमरान खान साहब ना राज़ी हो जा, इमरान खान साहब ना राज़ी हो जा, और सीधे रस्ते ते चलने नी उन्हां नूं तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, गरीबां ते वीर, मेरे को तरस खाने की तौफीक अता फरमा, ससवाई करने की तौफीक अता फरमा, महंगाई नूं परवरदिगार इस अपने मुल्के पाकिस्तान च मेरे मौला ख़त्म फरमा, डालर नूं तले और रुपये नूं उत्ते ले जा मेरे मौला, मेहरबानी फरमा। हुण जिहड़ी गल तुहानूं मैं दसना, करप्ट जिहड़े अनासर हन, जिहड़े करप्ट अफराद की है, करप्ट अफराद की दुनिया उजड़ने वाली है। हाँ, करप्ट अफराद की दुनिया, हाँ सियासतदानों की दुनिया उजड़ने वाली है, हैं? फकीर दुआई देता है कुर्सी की पूजा करने वालों के दिन गे। हाँ हाँ, ये जड़े पी डी एम, ये जड़ियाँ 11 जमात है, इन्हें 11 जमातों के सर तो दस्ता मिसाई है, उठ गया, मिसाई खत्म हो चुका है। आ और एक चीज़ तुहानू और भी देवा, आ बिलाहौर 1985 सी, साहब देना पड़ेगा। कोई भी है, सियासतदान है, जजिस, जरनेल, कोई भी है, किसी सीमत विच है, साहब 1985 सी देना पड़ेगा। और जब पाकिस्तान 92 साल का होगा, उसकी तकदीर, रंग, हर चीज़ बदल जाएगी। हाँ हाँ, पाक चीन एटमी सिविलन माहिदा तय पाएगा है इन दिनों में। और मैं एक गल तुहानू और भी दसा, इमरान खान आलमी कॉन्फ्रेंस करा सी। हाँ, आलम इस्लाम ने जड़े वड़े वड़े सरबाज उन्हें सारे गठिया कर सी, इसी कोई दो राह नहीं है ना। हाँ, और दूसरी गल भी मैं तुहानू ये दसा, हाँ ये जड़े करप्टेड हैं, मतलब पाकिस्तान में 90% सियासतदान इतने चोर हैं कि इनका मुंह काला करके गद्दे पर हाँ बिठा दें, दिल नहीं करता कि ये कहीं अगले हाँ गांव जाकर ये गद्दा बेच ही ना दें। वो वक्त दूर नहीं, करीब है, करप्ट जजिस, जनरल, सियासतदान को फांसी पर चढ़ाकर नया आयन मरतब किया जाएगा। हाँ, जेड़ी गल आखना पक्की गल करना, हाँ जेड़े अजकल जेड़े कुछ लोग हैं ना, इसमें कोई भी दलील नहीं चाहिए, बगैर दलील से ये बात कर रहा हूं। साहब देना पैसी, पाई का साहब जाना देना पैसी, तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत के होते हुए माफ कर देना बेहतरीन नेकी है। मौला अली ईमान कुल, हाँ ईमान कुल, हाँ अगर किसी कौम को
जंग में शिकस्त देनी हो उसके नौजवानों में फाशी फैला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिनको रब से मांगने की आदत हो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। पीर पिंजर सरकार, अमेरिका पाकिस्तान पर अपने बेस बनाना चाहता है, बेस बनाना चाहता है। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान में बेस बना लिया तो पाकिस्तान में मुसलमानों की हालत शाम इराक और इराक तो बाद फलस्तीन जैसे होंगे। क्या आप अमेरिका को पाकिस्तान में बेस बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए? नहीं, होबरदार। हाँ, अपनी मां कौन देना किसी दूसरे नू? ये धरती मां होंगी, मां है, मां किसी नू कोई नहीं देता। हाँ, हुकूमत को होश के नाहन लेने चाहिए और आवाम को भी सब्र और तहम्मुल करना चाहिए और अपनी जिंदगी को इस्लाम में डालना चाहिए, दीन पर अमल करना चाहिए। इसमें हमारी और हमारी नस्लों की बका है। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे, दीन में डल जाएंगे और हमें सिमत ठीक हो जाएगी तो फिर बेस इसकी हर बात में कोई भी नहीं सोच सकता। फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुसीं इस्लाम के मुताबिक हो चलो, पंजे टेम जे हर वक्त अपनी जिंदगी ते इस्लाम गालब कर लो, है इस्लाम गालब कर लो। हर वक्त इस्लाम नाल प्यार करो, नबी अलैहिस्सलाम नाल प्यार करो। नबी अलैहिस्सलाम ते जी अल्लाह फरमांदा मैं दरूद भेजना, सलात भेजना, इसी तरीके नाल तुसी भी दरूद मुहम्मदी भेजो। हैं, क्या बात है। मैं ऐसे ऐसे लोग भी तके ने जिन्ना नाम के ना है तेरा, हाजी इरफान कादर, मैं है पूरा ना, हाँ इमरान कादर, हाँ मैं है वालद साहब दा, है हाँ नेक मामद, मैं अबू रहे नाम ही मामद, तेरे नाम ही की नहीं, हाँ मेरा नाम बस मेरे अबू रहे रखे है, मैं अपने नाम ही मामद ला के ना, नहीं तेरे तेरे विचो मामद नहीं। जेड़े भी कोई भी अपने बच्ची बच्ची बच्चे का नाम रखो और बच्चे के नाम विच मामद मामद अहमद एली और हसन हसैन जरूर रखो। अल्लाह पाक सुन, हर बरकत हर चीज नबी अलैहिस्सलाम रखी।